जो है ना सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते, सभी लोग बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि लांसान और वांगजी उशान सभी लोग, बट हमारा विंग जो ना साइलेंट था, चुपचाप से जो ना अपना खाना फिनिश करता है और सबसे पहले उसका ही खाना हो जाता है, और विंग खाना फिनिश होने के बाद जो ना अपनी प्लेट को जाके अंदर रख देता है। उसके बाद जो है ना वो उसके जो नाइट वाले काम थे, जो सर्वेंट यहाँ से गए या नहीं उनके बारे में जानना, और किसी को पैसे चाहिए थे उनको पेमेंट करना, वो सारी चीज़ें करता है, और आके जो ना गार्डन एरिया में जो कुछ पेट्स थे उनका ख्याल रखता है। और विंग ऐसे ही गार्डन एरिया में बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद जो ना फैमिली डिनर भी कंप्लीट हो जाता है। उन लोगों का डिनर कंप्लीट होने के बाद जो है ना सर्वेंट आते हैं, उन सारी चीज़ों को उठाते हैं और अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग जब आके ना एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे भूषण वांगजी से कहता है कि मैं विंग से बात करते हुए आता हूँ घर के, और लाल सर कहते हैं कि आप विंग से बात करना चाहते हैं, विंग इस टाइम पे जो ना गार्डन में होगा ऐसे कहते हैं। जहाँ पे भूषण कहते हैं ठीक है, और भूषण जो ना गार्डन एरिया में आ जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वहाँ पे गार्डन एरिया में बैठा हुआ था, और जस्ट जो उसके सामने जो है ना दो कैट्स थी, कुछ बनीस थे, और एक दूर जो ना एक डॉग बना हुआ था, जहाँ पे वो सारी चीज़ें थी, जहाँ पे विंग उन लोगों को जो ना खाना दे रहा था, जहाँ पे भूषण भी आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग साइलेंटली उन लोगों को खाना दे रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना अपने हाथ में उस एक और ट्रे को लेके जो ना उस डॉग हाउस के पास जा रहा था, वहाँ पे जाके वो रख देता है। जहाँ पे भूषण कहते हैं विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें डॉग से डर लगता है। जहाँ पे विंग अपने भाई की आवाज़ सुनता है ना, बट विंग वहाँ पे अपने उस बाउल को रख देता है और पीछे मुड़ के कहता है नहीं भाई मैं ठीक हूँ मुझे नहीं लगता है, ऐसे कहता है। और विंग आता है और कहता है क्या हुआ भाई आप यहाँ पे अचानक से, तो भूषण कहता है मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, तुम थोड़ा अजीब लग रहे हो। तो विंग कहता है भाई मैं ठीक हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है मैं ठीक हूँ भाई, ऐसे कहता है। और विंग कहता है मुझे नींद आ रही भाई, ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने भाई को वहाँ पे इग्नोर करते हुए जो ना अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पे भूषण अपने भाई के बिहेवियर को देखता है इतना ज़्यादा चेंज होते हुए, वो देख पा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग को हुआ क्या है। तो इसलिए जो ना भूषण डिसाइड करता है कि वो यहीं पर रहेगा करके, इसलिए जो ना वो यहीं पे रहने का डिसाइड करता है कि आज के दिन वो यहीं पे रहेगा, और कल जो ना मॉर्निंग में अच्छे से जो ना विंग के साथ बात करेगा करके। तो वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं, और लांसान कमरे में आता है, और लांसान कमरे में आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो ना फिर से अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहा था, वो अपनी स्टडी कर रहा था। जहाँ पे लांसान आता है और जो ना विंग से कहता है कि तुम्हें किस चीज़ में हेल्प चाहिए, तो विंग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ मैं कर लूँगा, ऐसे कहता है। और विंग चुपचाप से अपना होमवर्क करता है, और लांसान भी अपना काम कर देता है, अपना होमवर्क करता है, क्योंकि लांसान भी जो ना विंग के साथ कॉलेज में पढ़ता है, तो विंग को भी विंग के साथ वो भी कर देता है। करने के बाद जो ना विंग अपना होमवर्क करने के बाद साइड में रख देते हुए और जो ना फ्रेश होकर नाइट सूट पहनते हुए जो ना बेड पर आकर लेट जाता है, जहाँ पर हमारा लांसान भी सेम ऐसे ही करता है। कुछ टाइम के बाद लांसान भी आता है, आने के बाद जो है ना आता है और लांसान कहता है विंग तुम देखा भाई और तुम्हारे ब्रदर आज कितने ज़्यादा खुश लग रहे थे ना इतने टाइम के बाद हमसे मिले, तो विंग से कहता है। तो लांसान कहता है विंग क्या तुम अपनी फैमिली से मिलना नहीं चाहते हो, तो विंग कहता है नहीं मैं अभी फ़िलहाल नहीं मिलना चाहता। तो लांसान कहते विंग तुम चाहो तो हम मिलने चल सकते हैं, तो विंग कहता है क्या तुम चाहते हो, तो लांसान कहते हैं हाँ मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से मिलो, तो विंग कहता है अगर तुम चाहते हो तो ठीक है हम मिल लेंगे, ऐसे कहता है। तो लांसान कहते हाँ ठीक है विंग हम मिलेंगे, ऐसे कहता है। और लांसान जो है ना विंग को खुद की ओर मोड़ता है, क्योंकि विंग दूसरी तरफ देख रहा था, जहाँ पे लांसान जो है ना विंग को खुद की ओर मुड़ता है और विंग के जो ना लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे लांसान जो ना विंग के ऊपर आ चुका था और विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया था, बट विंग उसे किस बैक नहीं करते जा रहा था, विंग जस्ट जो है ना लांसान को देख रहा था, जहाँ पे लांसान कैसे उसे किस कर रहा है करके, और विंग के जो ना आइस के कॉर्नर से जो ना आंसू बहते जा रहे थे। और विंग जो है ना लांसान को थोड़ा सा पुश करता है और अपने जो ना चेहरे को दूसरी ओर मोड़ते हुए कहता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्या हम बाद में ये सब कर सकते हैं, तो लांसान कहता है ठीक है विंग अगर तुम थक चुके हो तो ठीक है, ऐसे कहता है। और लांसान जो ना विंग से विंग को जो ना बैक से हक करके जो ना ऐसे ही सो जाता है, और विंग की आंखों में जो ना आंसू थे, विंग अपने मन में उसकी बहुत ज़्यादा जो ना अजीब फीलिंग थी, वो ऐसा उसे जो है ना अब पछतावा हो रहा था, ये शादी करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, नफरत हो रही थी खुद से कि वो तो ऐसा कभी नहीं था, कभी भी नहीं विंग को ऐसा महसूस हो रहा था, बट हमारा लांसान तब तक सो चुका था वो विंग को हक करे हुए। और विंग भी ऐसे ही सो जाता है, हम मॉर्निंग में देखते हैं, जहाँ पे विंग अब 5 बजे उठ चुका था, उठने के बाद वो जल्दी से फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो ना वो किचन एरिया में जाता है, और किचन एरिया में जाने के बाद जो ना वो ब्रेकफास्ट रेडी करता है, ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जो ना सारे सर्वेंट लोगों को बताता है कि उन्हें क्या क्या करना है, न्यू प्लेट सजानी है, वो सारी चीज़ें बताता है, और क्लीनिंग वाले लोगों को सारी क्लीनिंग कैसे की वो सारी चीज़ें चेक करता है। चेक करने के बाद वो जो है ना गार्डन एरिया में आता है और अपने पेट्स को देखता है, जहाँ पे उन पेट्स को जो फूड था ना उन्हें जो क्लियर करता है और वहाँ पे न्यू फूड डाल देता है। उसके बाद जो ना विंग जल्दी से आता है अपने कमरे में, कमरे में आने के बाद जो है ना वो अपने क्लोथ को पहनता है,
बोले तो वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद जो है ना वो अपने कॉलेज जाने के लिए वो जो ना अपने क्लोथ को पहनता है, और पहनने के बाद वो लांजन की ओर दिखता है और वो लांजन को उठाता है, जहाँ पे लांजन उठ जाता है, उठने के बाद जो ना वो विंग को गुड मॉर्निंग कहता है और विंग जस्ट उसे गुड मॉर्निंग कहता है, और लांजन जो ना उसे एक किस करता है उसके लिप्स पे, जहाँ पे विंग जस्ट एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद जो है ना विंग कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, चलो तुम आ जाओ जल्दी, तो लांजन कहता है हाँ, और लांजन जो है ना वॉशरूम की ओर निकल जाता है, जहाँ पे विंग नीचे आता है, नीचे जो है ना वो कॉलेज के कपड़ों के साथ आ चुका था, बट उसके भाई ने नोटिस किया, जहाँ पे वुशान ने सब कुछ देखा था, विंग कैसे आया, कैसे सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा था, सारी चीज़ें विंग अकेले कैसे सारी चीज़ों को संभाल रहे करके, तो वुशान ने देखा था, और वुशान ने वुशान जो आखिर जो ना ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ चुका था, क्योंकि सारे मेंबर आ चुके थे ना, तो वुशान भी आ चुका था वांगजी के साथ, जहाँ पे वुशान ने देखा कि विंग के कपड़े वो भी चेंज हो चुके हैं करके। वुशान को पता है कि विंग को ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फॉर्मल तरीके से कपड़े, विंग को जो ना चेयरफुल बोल दो, अलग अलग कलर के कपड़े, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े, अलग अलग जो ना स्क्रैचेज हुए कपड़ों पे, फटे हुए हो या अलग अलग लेदर वाले कपड़े, ऐसे पहनने पसंद है, बट विंग ऐसे कपड़े पहना हुआ है, तो वुशान देखता है, तो वुशान को ये अजीब लगता है, और वुशान विंग से मजाक में कह भी देता है कि विंग क्या हुआ है, तुमने अपने आज लेदर वाला जॉकेट नहीं पहना, तुम्हें तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो विंग अपने भाई की ओर देखता है और कहता है पसंद था, ऐसे कहता है, और जो है ना चेयर पे आके बैठ जाता है, जहाँ पे लांजान भी आके बैठ चुका था, जिसके बाद जो है ना उन लोगों का ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद जो है ना मैडम लैन कहती है, विंग तुम्हें मैंने कल रात को बताया था ना कि आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं जो उषा से मिलना चाहते हैं, तो विंग कहता है हाँ, तो मैडम लैन कहती है कि तुम दोनों भाई मिलके जो ना आज खाना बना लेना करके, तो विंग कहता है ठीक है, तो मैडम लैन कहती है विंग तुम आज कॉलेज मत जाओ, आज तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को संभालना होगा। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना, तो विंग खाना जो बोले तो जो है ना वो भी स्टिल रुक जाता है, क्योंकि अब जस्ट जो है ना विंग अपने कॉलेज के लिए निकल रहा था लांजन के साथ। जहाँ पे लांजन ये सुनता है ना, तो कहता है मॉम क्या ये करना ज़रूरी है, तो मैडम लैन कहती है कि हाँ उसे वुशान की मदद तो करनी चाहिए ना, वो अपने भाई की मदद नहीं करना चाहेगा, ऐसे कहता है, और विंग जस्ट हामी से रिलाता है। उसके बाद जो है ना विंग कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा, ऐसे कहता है, और विंग जो है ना लांजन की ओर देखता है, कहते तुम जाओ, ऐसे कहता है, और विंग अपने कमरे में चला जाता है। और वुशान ये देख रहा था कि उसका भाई कैसे बिहेव कर रहा है करके, उसने देखा। जिसके बाद जो है ना वांगजी और वुशान कुछ टाइम तक ऐसे कॉलेज टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे वुशान वांगजी से बोलना तो चाहता था कि विंग को कुछ तो हुआ है करके, बट वो बातें नहीं करता। और विंग जो है ना अपने कमरे में जाता है, कमरे में जाकर क्लोथ वगैरह चेंज करता है, जहाँ पे विंग खाना बनाना था, इसलिए जो ना वो नीचे आ जाता है और सारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है फिर से। और वहाँ पे वुशान भी आता है और विंग से बातें करने की कोशिश करता है, और विंग जस्ट हाँ मैं आंसर देते जा रहा था। और जो ना वुशान वांगजी को देखते हुए विंग को देखते हुए कहते हैं कि विंग तो कभी ऐसे आंसर नहीं देता था, उसके जो आंसर बहुत ज़्यादा लंबे लॉन्ग होते थे, बट वुशान देखता है कि उसका भाई ठीक से आंसर नहीं दे रहा, इसलिए जो ना वुशान विंग के हाथों को दोनों हाथों को पकड़ देते हैं, विंग मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम तो ऐसे नहीं थे ना। जहाँ पे विंग अपने भाई के हाथों से जो ना ज़बरदस्ती अपने हाथों छुड़वाते हुए कहता है, आप ही ने तो कहा था वक्त के साथ सब चीज़ सीख जाओगे, तो मैं सीख चुका हूँ भाई। जहाँ पे वुशान कहते विंग मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं जस्ट तुम्हें काम सारे चीज़ों को सीखने के लिए कहा था, खुद को चेंज करने के लिए नहीं। बट विंग अपने भाई के जो भाई की ओर देखता है, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे, जहाँ पे विंग कहता है बट भाई इन सारे कामों ने मुझे चेंज कर दिया है, मुझे मैं पहले जैसा था ना वैसा नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ भाई, और आप भी बदल जाइए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका भाई ठीक है, और आपके ऊपर कोई भी जो है ना परेशानी में नहीं डालेगा आपका भाई। वो जो है ना विंग तभी देखता है कि वो जो है ना वो गैस में जो चीज़ थी ना वो उबाल मार रही है करके, तो विंग जल्दी से जाता है और उसे उठा लेता है, जिसके कारण जो है ना विंग अपने हाथ में जो ना कपड़ा पकड़ना ही भूल जाता है, जिसके कारण जो ना विंग के हाथ जल जाते हैं, और विंग के हाथ जल चुके थे तो विंग एक आँख की आवाज़ निकालता है, और वुशान कहते विंग क्या कर रहे हो तुम्हारे हाथ जल गए। जहाँ पे विंग जैसे जो है ना उन्हें इग्नोर करते कहते हैं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है, और वुशान जैसे अपने भाई के हाथों को देखते हैं, जहाँ पे उसके भाई के हाथों पर जो ना रेड मार्क बन चुके थे उस जलने के निशान के, बट विंग स्टिल अपने काम करते जा रहा था। और वुशान अपने भाई को ऐसे देखता है तो वुशान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि क्या हुआ इसे, ये इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है, उसे तो ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और वुशान ये सारी चीज़ें देख पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा जो ना अपने भाई के लिए बुरा फील हो रहा था। और वुशान और विंग ऐसे ही खाना बनाते हैं, जहाँ पे विंग खाना बनाने के बाद जो ना अपने भाई को ऐसे ही छोड़ते हुए उन्होंने वहाँ से चला जाता है, अपने कमरे में पहुँच चुका था विंग। विंग पहुँचने के बाद जो ना अपने हाथों की ओर देखते हैं, और वहाँ पे वॉशरूम में जाता है और ठंडा पानी डाल देता है, और अपने हाथों को देखते हुए कहता है ये चोट भी अब मुझे नुकसान नहीं पहुँचा रही भाई, बिल्कुल भी नहीं, ये
जितना जल रही है ना, इतना तो मेरा दिल जल रहा है, मुझे इतना हर्ट हो रहा है भाई, मैं किसी से नहीं कह सकता, किसी से भी नहीं। ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है, और कुछ टाइम के बाद जो ना वहाँ पे जो गेस्ट आने वाले थे ना, वो गेस्ट भी आ चुके थे। आने के बाद जो है ना हमारा विंग आता है, उनका वेलकम करता है, और सारे लोग जो थे ना वो भूषण और विंग से बातें कर रहे थे। वो लोग ऐसे ही बातें करते जा रहे थे, भूषण और विंग को सवाल पूछते जा रहे थे, जहाँ पे भूषण और विंग सवालों के आंसर देते जा रहे, जहाँ पे सारे लोग जो थे ना वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बट रहते ना उन लोगों में से एक जन कि मिसेज लान, आपके पास तो दोनों के दोनों जो है ना बेटे है करके, अगर आपके बेटों ने एक बेटी को पसंद किया होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, आपके लिए कितना ज़्यादा सपोर्ट फील करते, और कैसे आप उन हम जैसे अपने बहू के साथ जो ना शॉपिंग करने के लिए जाते वो सारी चीज़ें कहती है। जहाँ पे मिसेज लान को ये बुरा तो लगता है, बट जो है ना वो शान कहता है कि नहीं, हम भी जा सकते हैं, और हमें पता है हमारी मोम को क्या पसंद है, तो हम उनके लिए सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और है ना मैम, आपने उन्हें बताया नहीं, मैं इस बार जब घूमने गया था कैनेडा तो मैं आपके लिए क्या लाया था, तो मैडम लान कहती हाँ भूषण तुमने जो लाया था, हाँ मुझे याद है। और वो अपने जो ना फ्रेंड्स को दिखाती है और कहती देखो, और सारे लोग जो ना देखते हैं और कहते वाओ भूषण ये आपकी चॉइस है, तो भूषण कहते हाँ ये मेरी चॉइस है, क्या आपको पसंद आई आंटी, जो सारे लोग कहते हाँ भूषण सच में तुम तो हमारी बहू से भी ज़्यादा जो ना एक टैलेंटेड इंसान होकर के कितनी अच्छी चॉइस लाई है तुमने अपने मैडम लान के लिए, जो ना अपने मोम के लिए, ऐसे कहते। जहाँ पे मीन देख रहा था कि उसके भाई के अंदर कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है करके, जहाँ पे जो है ना ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ चलिए सभी लोग जो ना खाना खा लीजिए, ऐसे कहता है, और विंग अंदर चला जाता है, और भूषण भी आता है, और भूषण भी जो ना विंग की मदद करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद जो सारी आंटीज लोग थे ना उनके साथ जो बोले किटी पार्टी के टाइप था या वो सब कुछ, जहाँ पे वो सारे लोग जो ना खाना खाने के बाद जो है ना भूषण और विंग को जो ना अलविदा कहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं, और कहते हैं कि तुम दोनों भाई जो ना बहुत ज़्यादा क्यूट हो करके, और दोनों एक दूसरे के जरा ही दिखते हो करके, जस्ट तुम दोनों के बीच में एज गैप है। बोले भूषण और विंग में जो ना 2-2 साल का जो फ़र्क है सिर्फ, जस्ट वो जुड़वा नहीं है, जस्ट उन दोनों के बीच में जो ना गैप है 2 साल का, ठीक है। और लांसान और वांगजी जो ना वो दोनों ट्विंस ब्रदर है, बट ऐसा है ना कि वांगजी का जो शिक्षण क्या कहते हैं उसे, सारी चीज़ें जो ना वो पहले से हो चुकी है, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था, इसलिए जो ना उसने बहुत सारे डिग्रीज पहले से ही हासिल कर ली थी, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। और लांसान जो है ना विंग के साथ पढ़ रहा है, ठीक है। जिसके बाद जो है ना हम प्रेजेंट में आते, जहाँ पे सारे लोग जाने के बाद जो है ना वो शान बहुत ज़्यादा थक चुका था, और विंग फिर भी जो ना अपने सारे कामों को फिर से निपटा रहा था, वो अपने मेट्स के साथ सारी चीज़ें करते जा रहा था। जहाँ पे वो ईशान कहता है विंग तुम थके नहीं हो क्या, जहाँ पे विंग कहता है ऐसे कहता है, और विंग जस्ट अपने काम में करता है। जहाँ पे मैडम लैन जो कहती है विंग बेटा जाओ, वो जो डॉग था ना वो कहीं पे गुम हो चुका है, लगता है कि वो कहीं पे घूम रहा होगा करके, जाओ उसे ढूंढो। जहाँ पे विंग उन प्लेट्स को साइड में रखता है और कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है, और विंग चला जाता है। जहाँ पे वो ईशान देख पा रहा था, जहाँ पे जो है ना विंग चला जाता है, जहाँ पे विंग वो ईशान कहता है कि मॉम आपको पता नहीं विंग को डॉग से डर लगता है। जहाँ पे मैडम लैन कहते क्या विंग डॉग से डर लगता है। जहाँ पे जो है ना भूषण कहते हाँ मॉम, तो मैडम लैन कहते बट विंग ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। जहाँ पे मैडम लैन ऐसे कहते, तो भूषण क्या विंग ने आपको नहीं बताया कि उसे डॉग से डर लगता है। तो मैडम लैन कहती है कि नहीं बट वो तो डॉग के पास जाता है। जहाँ पे भूषण समझ नहीं पा रहा था विंग को क्या हुआ है करके, क्योंकि विंग को सबसे ज़्यादा डॉग से डर लगता है, किसी भी चीज़ से वो डरता नहीं है, वो चाहे मरेगी भी ना फिर भी उसे डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं मरते टाइम भी, बट वो डॉग से सबसे ज़्यादा डरता है बहुत ज़्यादा ही। बट ये सुनने के बाद मैडम लैन भी थोड़ा शॉक हो जाती कि अगर विंग को डर लगता है तो विंग ने बताया क्यों नहीं, मैं उसे क्यों भेजती, ऐसे वो सोचती है, और क्यों उसे जो ना डॉग की देखभाल करने के लिए कहती है, ऐसे कहती है। जहाँ पे मैडम लैन ये भी सोचना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे भूषण उठा है, उठने के बाद जो ना वो विंग के पास जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट डॉग का नाम लेते हुए कह रहा था इथन कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए इथन, ऐसे जो ना विंग चिल्लाते हुए कह रहा था। जहाँ पे जो डॉग था ना वो इथन दौड़ते हुए आता है विंग की तरफ, जहाँ पे विंग नीचे झुकता है, और नीचे झुकने के बाद जो ना इथन जो ना विंग के जो हाथों को जो ना ऐसे चाट रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है, और